हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर 20। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस sin x प्लस 5 कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 5। आपको ये बताना है क्या ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 5। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है बेटा हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या होता है, कंटिन्यूज ही होता है। तो चेक करते हैं एक बार इसको। सॉल्यूशन एट x इज इक्वल टू 5। ओके बेटा, चलिए। तो हमारे पास फंक्शन दिया गया है x स्क्वायर माइनस sin x प्लस 5, पाई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस sin पाई 5। पाई स्क्वायर sin पाई क्या होता है आपके पास, 0, ठीक है। आपको सारी वैल्यूज की याद करनी है, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो फंक्शन एट पाई के ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर प्लस 5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस पाई का नेगेटिव, पाई में से स्मॉल वैल्यू डिडक्ट हो रही है। तो फंक्शन है हमारे पास x स्क्वायर माइनस sin x प्लस 5। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं ये वाले सारे, इसमें से जो हमारे पास पाई से वैल्यू डिडक्ट हो रही है तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, वो हम शो करेंगे h, पाई माइनस h, ठीक है। h जो है वो अप्रोच कर रहा है 0। अब 0 का हमारे पास लेफ्ट भी है यहाँ पे नया राइट, क्योंकि राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास 0.001 ऐड होएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास माइनस 0.0001 कुछ ऐड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बट जीरो को जो एच है वो अप्रोच किसको करेगा, जीरो को ही करेगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स अप्रोचेस पाई माइनस एच, फंक्शन यही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब आप वैल्यू डालेंगे यहाँ पे फंक्शन की, फंक्शन में एक्स के प्लेस पे पाई माइनस एच करेंगे, पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच का स्क्वायर प्लस 5, ठीक है बेटा। चलिए, अब यहाँ पे आप लिमिट जो है हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी, यहाँ पे फंक्शन हमारा चेंज हो गया पाई माइनस एच में, ठीक है। वेरिएबल क्या है एच, तो एच हो जाएगा हमारा अप्रोचेस 0, तो लिमिट क्या आ जाएगी एच अप्रोचेस 0, ठीक है बेटा। चलिए, अब हमारे पास फंक्शन है लिमिट एच अप्रोचेस 0, और लिमिट को आप सभी फंक्शन के साथ क्या करेंगे, लगाएंगे अभी। तो हमारे पास माइनस लिमिट एच अप्रोचेस 0, यहाँ पे क्या था साइन साइन पाई माइनस एच, फिर प्लस लिमिट एच अप्रोचेस 0, और यहाँ पे फंक्शन है 5, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसको, देखिए एच अप्रोच 0 है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा पाई का स्क्वायर। तो आप लिखेंगे यहाँ पे पाई का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है माइनस रहेगा, लिमिट पाई माइनस एच है यहाँ पे, एच 0 हो जाएगा तो साइन पाई आ जाएगा अगेन आपके पास। यहाँ पे प्लस है हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू है तो लिमिट क्या रहेगी, लिमिट यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है अप्लाई होगी, तो इसलिए 5 आ जाएगा, अगेन पाई, तो साइन की वैल्यू क्या है 0 और 5, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। तो मतलब लेफ्ट हैंड के लिए हमारे पास एक नंबर आ गया। अब आप राइट हैंड के लिए चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई का पॉजिटिव, फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, लिमिट फंक्शन चेंज हो जाएगा एक्स अप्रोचेस पाई माइनस है सॉरी पाई प्लस है ऊपर, तो कुछ स्मॉल वैल्यू जो ऐड हो रही है वो एच ले लेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस साइन पाई सॉरी साइन एक्स प्लस 5। यहाँ पे आप फंक्शन जो है वहां पे जहां पे भी एक्स है वहां पे क्या आ जाएगा पाई प्लस एच, तो लिमिट पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5, ठीक है।
अब बेटा लिमिट क्या लगेगी यहाँ पे, यहाँ पे वेरिएबल एच चल रहा है, यहाँ पे एच अप्रोचेस क्या हो जाएगा जीरो। ओके अब आप लिमिट सभी फंक्शन के साथ लगा लेंगे, पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस लिमिट एच अप्रोचेस जीरो साइन पाई प्लस एच प्लस लिमिट एच अप्रोचेस जीरो फाइव। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बेटा ये पाई का स्क्वायर, लिमिट लगे जीरो, पाई का स्क्वायर रहा, साइन पाई क्या होता है हमारे पास जीरो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया ये पाई प्लस जीरो क्या हो जाएगा पाई, साइन पाई आ जाएगा। ठीक है, और प्लस फाइव आ जाएगा तो ये आ गया पाई स्क्वायर प्लस फाइव। ठीक है, हमारे पास तीनों फंक्शन क्या रहे, सेम रहे, इट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू फाइव। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये यहाँ पे आप लिखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू फाइव। तो यहाँ पे एक लाइन और रहती है हमारी, वो लिखेंगे फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके या क्वेश्चन कंप्लीट, थैंक यू।